बिलासपुर कॉलेज में एनसीसी नेवल विंग का वार्षिक प्रशिक्षण कैंप चल रहा है। इस कैंप में बिलासपुर महाविद्यालय के कैडेट्स के अलावा सेंट बीट्स कॉलेज के कैडेट्स भी भाग ले रहे हैं। यह कैंप 5 दिन का होगा। द्वितीय वर्ष के कैडेट्स के लिए यह कैंप 3 दिन का रहेगा और अंतिम वर्ष के कैडेट्स के लिए यह कैंप 5 दिन का रहेगा। गुरुवार को बिलासपुर कॉलेज प्राचार्य रामकृष्ण ने एनसीसी कैडेट्स को जरूरी विषयों के बारे में जानकारी दी। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर श्रवण कुमार ने बताया कि बी और सी एग्जाम में बैठने के लिए यह कैंप जरूरी होता है। इस कैंप में इन एग्जाम के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य गतिविधियां, बोटिंग और फायरिंग आदि भी कैडेट्स से करवाई गई है। ये जो हमारा कैंप है, वैसे ये 10 दिन का होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से इसे 5 दिन के लिए किया गया है। और इस कैंप में बिलासपुर कॉलेज के अलावा सेंट बीट्स की 11 लड़कियाँ भी थी, उनका जो कैंप था वो 3 दिन का था। अब ये जो बाकी 16 कैडेट्स बचे हैं ये लास्ट ईयर के हैं और इसके बाद ये सी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पिछले साल जो कैंप हुआ था वो रामपुर कॉलेज में हुआ था। उस कैंप का फ़ायदा ये हुआ था कि हमारे 30 कैडेट्स ने सी एग्ज़ाम पास किया था। तो ये जो कैंप है इसके बाद ये बी और सी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये अगर ये करते हैं क्वालिफाई तो आने वाले टाइम में इनके भविष्य के लिए ये बहुत बड़ी बात। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।